नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को के बारे में जानने वाले हैं। ये कैसे काम करती है, इसके बनने पर क्या होने वाला है, ट्रेडिंग में ये कैसे सहायता करेगी आपकी, यह कहाँ बनती है, तब सही काम करती है। इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो देखिए, समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी है। ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इसे ही हम ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम से जानते हैं। ये कब बनती है और कैसे काम करती है, ये हमें जानना है, और ट्रेडिंग में हमें क्या हेल्प करने वाली है। देखिए, ये कैसे काम करती है, कब बनती है। जब मार्केट आप साइड से, हाँ जी, आप साइड से गिरती हुई नीचे साइड की तरफ आ रही हो, समझ रहे हैं, तो ये उस लेवल के आसपास बनती है। यानी ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब बनती है। और उसके बाद इस आकार की कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी, यानी बॉडी बिल्कुल छोटी सी, ऐसे मान लीजिए बॉडी बिल्कुल छोटी सी, और जो शेडो है वो बहुत बड़ी, जैसे हैमर में होता है। परंतु हैमर में क्या है, बॉडी थोड़ी सी बड़ी और होती है, परंतु ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है, और नीचे साइड एक बड़ी शेडो आपको नजर आती है। ये इसका क्या है, ये इसका लो है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साथ साथ हैं लगभग, ठीक है। यहीं पे इसकी ओपनिंग है और यहीं पे इसकी क्लोजिंग है, एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे का फर्क नजर आएगा आपको। ओपनिंग और क्लोजिंग में एक दो पॉइंट का आपको फर्क नजर आ सकता है, ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, तब ये बनती है और ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाती है। और इसके बनने के बाद क्या होता है, मार्केट रिवर्स करती है। इसके बनने के बाद क्या होता है, रिवर्स करती है, यानी मार्केट फिर जो डाउन ट्रेंड में चल रही थी ना, यहां से ऊपर से आई नीचे साइड, डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, परंतु क्या हुआ, यहां आने के बाद बायर एक्टिवेट हो गया। यहां आने के बाद कौन एक्टिवेट हो गया, बायर एक्टिवेट हो गया, और वो प्राइस को धकेल के इस लेवल के आसपास ले गया, ऊपर ले गया है बायर। कौन लेके गया है, बायर। तो यहां सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे आई, और एक बार लगा कि सपोर्ट टूट गया और नीचे चला गया प्राइस, परंतु क्या हुआ, बायर यहां एक्टिवेट हुआ और बायर ने सेलर से होल्ड छीन लिया और यहां आके वापस से प्राइस की क्लोजिंग दी। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर साइड निकल जाती है। कौन सा काम करती है, रिवर्सल। जो ट्रेड ऊपर से आ रहा है, इसके बनने के बाद क्या होगा, वो ऊपर वापस चला जाएगा। ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम निफ्टी 50 का एक चार्ट लेके आ गए हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे काम कर रही है। देखिए, डाउन ट्रेंड था, पहला कंडीशन क्या है, इसके अंदर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो और एक सपोर्ट लेवल के आसपास, ये वाला इसका सपोर्ट लेवल है, पीछे से निकाल के लाया गया है, यहां आके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करती है, कहां तक, यहां तक। परंतु क्या हुआ, यहां पर बायर एक्टिवेट हो गया और कैंडल को वापस सपोर्ट लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग इसने दिला दी है इस कैंडल की। तो इसमें क्या है, इसमें बायर की जीत है, इसकी जीत है, बायर की जीत होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये बायर की जीत होती हुई नजर आ रही है। समझ पा रहे हैं आप है? इसमें क्या हुआ, इसमें बायर की जीत होती हुई नजर आ रही है आपको। तो आप देखिए, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहां से डाउन ट्रेड में आने के बाद बायर कब्जा करेगा मार्केट के ऊपर, और बायर ने प्राइस को अपने हाथ में ले लिया है, यानी कंट्रोल में कर लिया है, यहां से बाइंग स्टार्ट होने वाली है। और देखिए, यहां से बाइंग स्टार्ट हुई और मार्केट ऊपर चलेगी।
ऊपर कहां तक है, रेजिस्टेंस के आसपास। ये वाला देखिए कैंडल जो रुका हुआ है ये रेजिस्टेंस है, पीछे से भी रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ये चली गई है। तो आपने देखा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी ने कैसे काम किया है, ये एक हैमर जैसा ही काम करती है, यानी हैमर से भी अच्छा काम करने वाली है। ये कैसे काम करती है, ये रिवर्सल काम करती है। पहला प्रश्न क्या था, ये कैसे काम करती है, ये बनने के बाद रिवर्सल वाला काम करती है, यानी मार्केट यहां से रिवर्स होगी, जो डाउन जा रही थी वो अपोजिट जाएगी यानी अप जाएगी। इसके बनने पर क्या होने वाला है, ट्रेड रिवर्स होने वाला है। हाँ जी, इसके बनने पे क्या होने वाला है, ट्रेड रिवर्स होने वाला है। ये भी आपने देख लिया कि मार्केट में नीचे साइड मार्केट जा रही थी, डाउन ट्रेंड था और ट्रेंड रिवर्स हो गया और क्या बन गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका सोल्व हो गया है। ट्रेडिंग में क्या सहायता करेगी, समझ गए, ट्रेडिंग में क्या सहायता करने वाली है, ट्रेडिंग में यहां से आप पोजीशन बना सकते, यहां से आप बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हैं। ये देखिए यहां से मार्केट कितना खूबसूरत अपसाइड के लिए गया है। ये सहायता क्या करेगी, आपको ये बताने की सहायता करेगी, यहां से आप पोजीशन बनाइए, ये मार्केट अपसाइड जाने वाली है, समझ गए। यहां से मार्केट क्या करेगी, अपसाइड के लिए जाने वाली है, तो ये सहायता करने वाली है। यह है कहां बनती है तब सही है, देखिए ये बीच में कहीं बनती है ना तो कोई काम की नहीं है, समझ पा रहे हैं। ये कहीं भी बीच में सेंटर में कहीं बनती हुई नजर आ जाए ना आपके, जैसे इस टाइप की कैंडल बन गई, देखिए इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। ये कहां बनेगी, ये स्पोर्ट लेवल के आसपास बनेगी, ये दिखाई दे रहा है ना आपको स्पोर्ट लेवल, इसके आसपास बनेगी तब जाके ये अच्छे से काम करती है। ये वाला पर्सन है, तब जाके ये अच्छे से काम करती है, इसके बाद ट्रेड रिवर्स करने वाली है। एक बात और ध्यान से सुनिए, यह किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकती है। हाँ जी, किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकती है, कैसे बन सकती है, 5 मिनट पे भी बन सकती है, 10 मिनट पे भी बन सकती है, 15 मिनट पे भी बन सकती है। ये क्या है, ये ट्रेडिंग का टाइम है, ये ट्रेडिंग वाला टाइम है। कौन सा टाइम है, ट्रेडिंग के लिए जो परफेक्ट माना जाता है, 5 मिनट 15 मिनट लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए है। स्टॉक के लिए, स्टॉक के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको लेना है, स्टॉक के लिए अगर आपको देखना है तो कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, 1 डे का, ये वाला टाइम। स्टॉक में अगर रिवर्सल आना है और आपने पोजीशन बनानी है और ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको बनती हुई नजर आ जाए तो आप में वो क्या करना है, स्ट्रोक में वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है और तब जाके पोजीशन आपने बनानी है। तो अभी देखते हैं कि इसमें कैसे हमें एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी क्या करते हैं, देखिए इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, ये इसका लो है और ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, इसका हाई है। देखिए ये इसका लो पॉइंट है, तो ये मार्क कर लिया आपने, और ये इसका हाई पॉइंट है, ये वाला, ये भी मार्क कर लिया जहां पे सपोर्ट लेवल है। अब बात आती है कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है, एंट्री कहाँ बनानी है, एंट्री जैसे ही इसके हाई पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को कोई कैंडल ब्रेक करती है, ये बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आपकी अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, अपसाइड के लिए जा रही है, दिख रही है आपको, यहां आपकी क्या बनने वाली है, यहां आपकी एंट्री बन। स्टॉप लॉस कहां बनेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो के आसपास, यानी लो जो है वो वाला आपका स्टॉप लॉस बनने वाला है, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया, ये वाला, ये वाली आपकी एंट्री बन गई है।
इसके हाई को ब्रेक करते ही आपकी एंट्री बन गई, और उसके बाद देखिए मार्केट में कितना अच्छा जाके ऊपर साइड प्राइस गया है, यहां से प्राइस दौड़ा है अपसाइड के लिए, यहां आपका टीपी बनेगा। टीपी मतलब समझ रहे हो, टारगेट प्राइस। हाँ जी, ये आपका टारगेट प्राइस बनने वाला है। कौन सा? कोई भी रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ऊपर से गिरी है, देखिए ये वाला है, पीछे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये वाला जो है यही आपका टारगेट प्राइस बनने वाला है। तो यहाँ क्या है, देखिए मार्केट गई उसके बाद फिर वापस, देखिए यहाँ तक भी नीचे आ गई थी और फिर वापस गई है। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छी जानकारियाँ हम मार्केट से निकाल निकाल के देने वाले हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले किसी भी ट्रेडिंग या किसी भी इवेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।